हाँ जी, ईटीटी दे सेकंड एग्जाम दे लई जनरल साइंस का जिहड़ा अपना अज दा चैप्टर होवेगा वो हैगा जी, असी बीमार क्यों हुंदे आ, वाई डू वी फाल इल। बायोलॉजी का इंपोर्टेंट चैप्टर हैगा। हाँ जी, जेडे स्टूडेंट साडे चैनल ते फस्ट टाइम जुड़े ने या फिर फस्ट टाइम जनरल साइंस की वीडियो वेख रहे हैं, उन्होंने मैं दसना चाहता कि इस तो पहला 6 चैप्टर जेडे जनरल साइंस के अपलोड ने। जेकर तुसीं वो 6 चैप्टर नहीं वेखे तो अज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तुहानू उसका लिंक है जिहड़ा मिल जाएगा, उत्थों जाके तुसीं ये 6 चैप्टर पहला जरूर वेखने जी। हाँ जी, अज के चैप्टर से आपां की करांगे, सब तो पहला चैप्टर के बेसिक बारे जाणांगे ते नाल कुछ जिहड़े इंपोर्टेंट डेफिनेशन करांगे। उस तो बाद सेकेंड नंबर पर वन लाइनर क्वेश्चन करांगे। वन लाइनर क्वेश्चन ये होणगे जी, घट्टो घट 56 क्वेश्चन होणगे वन लाइनर इस चैप्टर के रिलेटिड। ये सारे क्वेश्चन जी तुहानू 9th की बुक चो मिल जाएंगे, 9th की साइंस की बुक चो तुहानू ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो थर्ड नंबर पर आपां करांगे जी एमसीक्यू, इस चैप्टर के एमसीक्यू करांगे। तो वीडियो तुसीं ध्यान नाल वेखनी है तो पूरी वेखनी है जी। वीडियो तुहानू चंगी लगी तो वीडियो नू लाइक करियो तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करियो। जेकर फस्ट टाइम साडे चैनल पर जुड़े हो तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर लियो जी, ते नाल लगे बैल आइकन वो भी प्रेस करियो ता जो तुहानू साडी हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए जी। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सानू तुहाडी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो तुसीं की करना, जो बैल आइकन प्रेस करोगे तो इत्थे तुहानू 3 ऑप्शन मिलते हैं, उत्ते तुसीं फस्ट ऑप्शन आल लिखा होएगा उहदे उत्ते तुसीं क्लिक करना है ता जो तुहानू साडी वीडियो की हरेक नवी नोटिफिकेशन है वो टाइम नाल मिल सकती है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अज का अपना चैप्टर हैगा जी, असी बीमार क्यों होंगे। हाँ जी, नाम तो ही पता लगता है चैप्टर के कि सारा चैप्टर है जिहड़ा हैल्थ के उत्ते डिपेंड करता है। तो ये अगे दो पार्ट से होएगा जी डिवाइड, एक होए जी हैल्थ तो दूजा होएगा बैड हैल्थ। अच्छा जी, आपां हैल्थ किनू कहांगे, मतलब कि सेहत आपां किनू कहांगे, कि जेकर कोई व्यक्ति शरीरिक तौर पर सही हो, मानसिक तौर पर भी सही हो, थर्ड हैगा वो समाजिक तौर पर, तो आप कहेंगे कि उस व्यक्ति की जी हैल्थ हैगी है वो चंगी हैगी है, चंगी सेहत हैगी। फिर तो रिपीट कर देने, चैप्टर आप दो ही चीज़ा पढ़ा हैल्थ बारे, तो सैकेंड हैगा जी बैड हैल्थ बारे। सेहत तो मतलब की हैगा, जेकर कोई व्यक्ति शरीरिक तौर पर सही हैगा, यानी कि ज़्यादा पतला भी नहीं हैगा तो ज़्यादा मोटा भी नहीं हैगा। तो सेकंड की हैगा मानसिक तौर पर, मतलब वो मेंटली तौर पर सही हैगा। थर्ड की दिता है समाजिक तौर पर सही हैगा, मतलब कि समाज में वो दूजे व्यक्तियों नाल किस तरह गल्लां करता है, उनकी गल्लां तो पता लगता है कि उनकी जिहड़ी सेहत हैगी वो चंगी हैगी है या नहीं हैगी। आपां डेफिनेशन भी लिख दिंदे हां हैल्थ की, इस तो तुहानू होर क्लीयर हो जाएगा कि हैगा जी वो अवस्था है जिस दे अंतर्गत शरीरिक मानसिक ते समाजिक शरीरिक मानसिक ते समाजिक कार्य पूरी अवस्था नाल किते जा सकन, समाजिक कार्य पूरी अवस्था विच किते जा सकन। उन्हों आपां की कहांगे जी, सेहत कहांगे, एक हैल्थ कहांगे। फिर तो रिपीट कर देने, डेफिनेशन की हैगी है वो अवस्था जिस दे अंतर्गत शरीरिक मानसिक अते समाजिक कार्य पूरी अवस्था विच किते जान, उन्हों आपां की कहांगे एक चंगी सेहत। हाँ जी, हुण पढ़ते हैं जी बैड हैल्थ बारे। हाँ जी, नैक्सट आप पढ़ा बैड हैल्थ बारे। इस तो पहले आप पढ़िया सेहत बारे, सेहत बारे की सी वो अवस्था जिस दे अंतर्गत शरीरिक मानसिक अते समाजिक कार्य पूरी अवस्था नाल किते जान, उन्हों आप कहते सेहत। तो बैड हैल्थ की होगा उसके उल्ट हो जाएगी, जेकर व्यक्ति की शरीरिक अवस्था कमजोर हैगी है या फिर मानसिक अवस्था चंगी नहीं हैगी या फिर उनकी समाजिक अवस्था जी ठीक नहीं हैगी, तो उन्होंने आप कहेंगे बैड हैल्थ। इस अगे आ जाते हैं जी डिजीज़।
यानी कि रोग। डिजीज अगे काफ़ी तरह के होंगे ने, काफ़ी पार्ट विच इन्हों डिवाइड किया होया। सब तो पहला आप पढ़ते हाँ कि जेडे समय के ना हिसाब न होंगे ने, जेडे टाइम पीरियड न समय हिसाब न, जेडे दो तरह के अगे दो पार्ट विच डिवाइड ने। फस्ट है एक्यूट डिजीज, एक्यूट डिजीज जिन्हों कहते हैं जी पंजाबी चे अल्पकालीन रोग, अल्पकालीन रोग एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज की होंगे ने, अजिहा रोग जो घट समय लिए होंगे है, अजिहा रोग जड़ा घट समय लिए होंगे उन्होंने आप की कहेंगे जी एक्यूट डिजीज़ या फिर अल्पकालीन रोग। सेकेंड आते जी दीर्घकालीन रोग, दीर्घकालीन रोग इनू कहते हैं इंग्लिश चे क्रोनिक डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़। दीर्घकालीन रोग ना तो ही पता लगता है किहड़े रोग जो लंबे समय तक जां फिर सारे जीवन लई हुंदे ने उन्हां नूं आपां की कहिंदे आ दीर्घकालीन रोग, ओ रोग जो लंबे समय लई जां जीवन पर हुण उन्हां नूं आपां की कहांगे दीर्घकालीन रोग। हाँ जी एक्यूट डिजीज़ की एग्जाम्पल आपां जिवें लईए खांसी, जुकाम या फिर बुखार हो गया या फिर मलेरिया, ये सारिया एग्जाम्पल ने जी एक्यूट डिजीज़ की, जेड़े कि शोर्ट टाइम लिए होंगे, शोर्ट टाइम लिए घट समय लिए, तो आ होंगे जी लोंग टाइम लिए। घट समय लिए किहड़े किहड़े रोग है, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, ये सारे की ने अल्पकालीन रोग। तो दीर्घकालीन रोग की गल करिए इसकी एग्जाम्पल जिमें कैंसर हो गया, कैंसर, एड्स या फिर डायबिटीज, इस तरह ये सारे रोग ने जिहड़े ये किहड़े ने दीर्घकालीन रोग जिहड़े लोंग टाइम लिए चलते रहिंदे ने। इस तो अलावा भी डिजीज़ नूं काफ़ी पार्ट विच डिवाइड किया होया। नैक्सट जिवें आपां पढ़ते हाँ कई डिजीज जिहड़े हुंदे ने ओह इनफेक्शन दे नाल हो जाते हैं, इनफेक्शन दे नाल ते कई हो जाते हैं नॉन इनफेक्शन दे नाल। इनफेक्शन दे नाल जिहड़े हुंदे ने उन्हां नूं की कहिंदे ने जी, जिहड़े रोग रोगाणुआं नाल हुंदे ने, रोगाणुआं नाल हुंदे ने यानी कि जर्म्स दे नाल हुंदे ने उन्हां नूं आपां की कहांगे इनफेक्शन वाले रोग। ते नॉन इनफेक्शन जिहड़े जर्म्स दे नाल नहीं हुंदे उन्हां नूं आपां की कहांगे नॉन इनफेक्शन वाले रोग। जेकर गल करिए इनफेक्शन वाले तां इह वी अगे दो पार्ट विच डिवाइड ने, इनफेक्शन दे डिजीज़ की गल करिए अगे ये दो पार्ट विच डिवाइड ने। फस्ट आ जाता जी कम्युनिकेबल डिजीज़ जिन्हों कहते हैं छूत दे रोग। तो सेकेंड आ जाता जी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जड़े अछूत दे रोग होंगे। हाँ जी कम्युनिकेबल डिजीज़ केड़े होंगे ने, ये रोग एक रोगी व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति को सूक्ष्म जीवों राही होंगे ने, फैलते ने दूजे व्यक्ति
ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨੇ ਜੀ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਰੋਗ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੀ ਸੀ? ਅਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਰਜਿਤ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਾਰਜਿਤ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਛੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਡ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਕਿਊਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਅਲਪਕਾਲੀਨ ਰੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਰੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨੋਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਨੋਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨੋਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ। ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਨੇ? ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਰਾਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰੁਟੀ ਰੋਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ, ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਣੁਵੰਸ਼ਿਕ ਰੋਗ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤ੍ਰੁਟੀ ਰੋਗ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤ੍ਰੁਟੀ ਰੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਤ੍ਰੁਟੀ ਰੋਗ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰੁਟੀ ਰੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਤ੍ਰੁਟੀ ਰੋਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? ਹੀਣਤਾਜਨਿਤ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੀਣਤਾਜਨਿਤ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਪੋਸ਼ਣ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਸ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਜਿਸ਼ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਐਲਰਜੀ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਣੁਵੰਸ਼ਿਕ ਰੋਗ। ਅਣੁਵੰਸ਼ਿਕ ਰੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣੁਵੰਸ਼ਿਕ ਰੋਗ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣੁਵੰਸ਼ਿਕ ਰੋਗ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੇਜ ਕੱਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ।
ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਵੇਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਟੀਬੀ ਨਿਮੋਨੀਆ ਇਹ ਆਦਿ ਕੀ ਨੇ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫੈਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਲਿੰਗੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੰਤੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਆ ਉਹ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਕੇ ਜੂਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਲ ਮੂਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਲਿੰਗੀ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੈ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੰਤੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਪੀਸੂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਰ ਹੈਗਾ ਨੇਵਲਾ ਹੈਗਾ ਆਦਿ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨੋਨ ਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਜੀ ਵਾਇਰਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੋਨ ਵਾਇਰਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫੰਗਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੇਜਾ ਟੀਬੀ ਕੁੱਕੜ ਖਾਂਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੇਗ ਟਾਈਫਾਇਡ ਟੇਟਨਸ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਲੇਰੀਆ ਸੌਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੰਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਲੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਮਾ ਖਾਜ ਗੰਜਾਪਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਦ ਅਤੇ ਪੈਰ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਰੋਗ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏਡਜ਼
चेचक जिन्हों चिकन पॉक्स भी कहते हैं, पीलिया, पोलियो ते डेंगू। इस तो अलावा भी नहीं, पर मैं ये लिखे ने यह सारे इंपोर्टेंट ने। क्वेश्चन तो जेकर एग्जाम विच क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हां विचों ही पूछा जाएगा, इस तो अलावा भी नहीं, पर आपां सिर्फ इन्हें ही याद करने। हाँ जी, जेकर तुहानूं इह याद हो जाए तो ठीक है, जेकर ना याद हो तो कमेंट विच मैसेज कर देना जी कि सानूं इसकी ट्रिक बना के दिओ, ता जो मैं इसकी तुहानूं ट्रिक बना के भी दे दवांगा, उस दे नाल तुहानूं ईजीली याद हो जाएंगे। हाँ जी, कमेंट बॉक्स विच तुसीं एक गल होर दसनी है कि एड्स की फुल फॉर्म है जी, वो तुसीं कमेंट बॉक्स में दसनी है। हाँ जी, नैक्सट आप पढ़ते हैं कि जेकर आपां जेकर कोई जर्म के नाल नॉन वायरल रोग हो जाता है, जिवें बैक्टीरिया के नाल, प्रोटोजोआ के नाल, फंगिस के नाल, तो उन्होंने आप किस तरह डील करते हैं, तो वायरस के नाल हो जाता तो उसनों आप किवें डील करांगे, वो पढ़ते हैं जी। हाँ जी, हमने आप पढ़िया रोगाणु के अगे दो टाइप से, एक नॉन वायरल तो एक है किसी वायरल, जिहड़ी कि वायरस के नाल हुंदी है, तो यह होंगी है जी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर फंगस के नाल। हुण आपां पढ़ांगे जी इस नाल आपां किवें डील कर सकते हैं। जिवें कोई बच्चा हैगा उन्हें पानी नाल या फिर हवा के नाल जिहड़े बैक्टीरिया या फिर जर्म्स है इहदे शरीर विच एंटर हो गए ने, तो साडे शरीर विच एक इम्यून सिस्टम बनिया हुंदा है, उस विच की हुंदे ने जी WBC, WBC यानी कि वाइट ब्लड सैल, जिहड़ा किहदा काम करते हैं, एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं, एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं, या फिर आप इन्हों कह सकते हैं कि ये एक सैनिक का काम करते हैं सानू बीमारियों तो बचाने के लिए। जदों भी जर्म शरीर में जिवें एंटर हुए ने तो ये की करेंगे, इन्हों नष्ट करने का काम करते हैं। कौन करते हैं जी? WBC। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा ही बन जाता जी कि साढ़े शरीर में जोड़े एंटीबॉडीज़ का काम कौन करते हैं, तो कौन की आंसर होएगा जी? WBC, वाइट ब्लड सैल। तो जेकर किसी व्यक्ति का जोड़ा इम्यून सिस्टम वीक हो, जिमें कोई व्यक्ति हैगा इनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो जर्म्स इनके शरीर में एंटर कर गए हो, तो आप करा जी बाहरों की लवेंगे हेल्प लवेंगे कि मेडिसिन के नाल, आप मेडिसिन लवेंगे। मेडिसिन कि काम करती है? एंटीबॉडीज़ का, एंटीबॉडीज़ का जोड़ा काम की करेगी मेडिसिन कदों करेगी? जदों जोड़ा अपना इम्यून सिस्टम वीक हो, या फिर जोड़े सैल जोड़े घट हो या फिर कम ना करते हो, तो आप किसकी हेल्प लेने हैं? मेडिसिन की। सेकेंड जो आप गल करिए वायरस की, तो जेकर कोई व्यक्ति हैगा जिवें इनू वायरस के नाल कोई जी बीमारी लगी है, तो इस विच की हुंदा है, एक गल तुसी याद रखनी है, वायरस के उत्ते जिहड़ी मेडिसिन है वो कम नहीं करेगी। वायरस के उत्ते मेडिसिन कम नहीं करेगी, क्यों? जदों आपां मेडिसिन लैंदे हां तां शरीर के अंदर जिवें पेट का हिस्सा बनाया, जिवें कोई बैक्टीरिया हैगा तो वह की करता, जदों आपां इहनूं मेडिसिन दिंदे हां तो अपने उत्ते एक जिहड़ी कवर बना लैंदा, एक परत जी बना लैंदा, जिस दे नाल उहनूं कोई जिहड़ी नुकसान जिहड़ा नहीं हुंदा। जिन्नी देर आप दवाई का जोड़ा असर रहेगा उन्नी देर वो जी कवर जी बना लेंदा, जदों दवाई का असर खत्म हो जाता है तो वह कवर नू हटा के अपनी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देता है। यही कारण है जिवें वायरस के नाल आपां नूं खांसी जुकाम हो जाता है, जुकाम हो जाता तो कि वह अपने आप ठीक हो जाता है। उन्होंने ठीक कौन करते हैं जी? WBC ठीक करते हैं, पर आप करते हैं मेडिसिन वगैरह ले लें। मेडिसिन उत्ते की काम करती है? मेडिसिन उत्ते सिर्फ रजिस्टेंस का काम करती है, यानी प्रतिरोध का काम करती है। कहने का मतलब है कि जेकर वायरस नाल कोई रोग है, बीमारी हैगी है, तो वह मेडिसिन के नाल ठीक नहीं होंगी। जिवें आपां नूं जुकाम होंदा, जुकाम दो तीन दिनों विच अपने आप ही ठीक हो जाता, पर आपां फिर भी मेडिसिन वगैरह लैंदे हां, तो वह आपां मेडिसिन लैंदे हां सिर्फ रजिस्टेंस के लिए कि मतलब शरीर नूं थोड़ी बहुत एनर्जी जिहड़ी मिलती रहे, पर कि असल विच वायरस किहड़ा एंटी जी मेडिसिन के नाल ठीक नहीं हुंदा, इहदे उत्ते कोई असर नहीं हुंदा। मैं तुहानूं समझाता इस तरह कि जदों बैक्टीरिया अंदर हुंदा है तो आपां जदों मेडिसिन लैंदे हां तो अपने उत्ते एक परत जी बना लैंदा, एक कवर बना लैंदा, जिस दे नाल हुंदा मेडिसिन दे उहदे उत्ते कोई असर जिहड़ा नहीं हुंदा।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜੀ WBC, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸਦੇ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਇਹਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ MCQs ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ PDF ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੋਂ। ਫਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਕਿਸ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਦਿਲ ਦਾ ਧੜਕਣਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਅਤੇ 4 ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਦਿਲ ਦਾ ਧੜਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸਪੰਦਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸਪੰਦਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਰੀਰਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਕਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਫਾਈ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੋਧਿਤ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੋਧਿਤ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੋਗ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੋਧਿਤ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ 4 ਲੱਛਣ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸੈਕਿੰਡ ਖਾਂਸੀ, ਥਰਡ ਦਸਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚ ਮਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਜੀ? ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਲੱਛਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਲਪਕਾਲੀਨ
रोग, एक्यूट रोग अपन उन्होंने डिजीज सॉरी कह दें। नैक्सट क्वेश्चन है लंबे समय तक जां जिंदगी भर रहने वाले रोगों को की कहते हैं, तो उन्होंने आप कहने जी दीर्घकालीन रोग। दीर्घकालीन रोग। नैक्सट क्वेश्चन है अल्पकालीन रोग की एक उदाहरण दो जी। अल्पकालीन रोग की एक उदाहरण दो, जोड़े रोग घट समय ले रहते हैं, खांसी ते जुकाम। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता है दीर्घकालीन रोग की एक उदाहरण दो। हाँ जी, दीर्घकालीन रोग की उदाहरण हैगी है पैर का फुलण का रोग। पैर फुलण का रोग जोड़ा कि है एक लोंग टाइम की डिजीज हैगी है। नैक्सट क्वेश्चन है सेहत को वधेरे हानि किस प्रकार के रोग नाल होंगी। हाँ जी, सेहत को वधेरे हानि किस दे नाल होंगी जी, दीर्घकालीन रोग दे नाल। जिहड़े रोग लंबे समय तक होंगे ने या फिर जीवन भर होंगे ने, उन्हां नाल सेहत को वधेरे जी हानि होंगी। हाँ जी, जेकर तुहानू वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी पतले दस्त लगन का की कारण है। हाँ जी, पतले दस्त लगन का की कारण है जी, दूषित भोजन से गंदे पानी की वरतों। नैक्सट क्वेश्चन दिता है संक्रामक रोग किसनों कहते हैं। संक्रामक रोग किसनों कहते हैं। हाँ जी, आंसर की दिता जी अजिहे रोग जिन्हों का तत्कालीन कारक सूक्ष्म जीव होंगे, जिन्हों का तत्कालीन कारक जिहड़ा सूक्ष्म जीव होंगे ने उन्होंने संक्रामक रोग कहते हैं। यह सूक्ष्म जीव समुदायक विच रोग फैला देंगे। हाँ जी, ये सूक्ष्म जीव है जोड़े समुदाय विच रोग नूं फैला देंगे। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता है कैंसर रोग का की कारण है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कैंसर रोग का की कारण है जी, अनुवंशिक असमानता। हाँ जी, जिमें साडे शरीर विच सैल रोजाना बनते रहते हैं, जेकर इन्हां विच असमानता आ जाए बनने विच या फिर कोई कोई सेल है जो ठीक ढंग नाल नहीं बन रहा या फिर ठीक ढंग नाल कम नहीं कर रहा, तो उन्हां नाल जिहड़ी केड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है कैंसर की। हाँ जी, की आंसर है अनुवंशिक असमानता। नैक्सट क्वेश्चन है जी अम्लता ते पेप्टिक अल्सर का की कारण मनिया जाता है। हाँ जी, अम्लता ते पेप्टिक अल्सर का की कारण मनिया जाता है, तो परेशानी भरी सोच और चिंता। परेशानी भरी सोच और चिंता कहिंदा कारण मनिया जाता है जी अम्लता ते पेप्टिक अल्सर का। नैक्सट क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर किस कारण होंगे जी। हाँ जी, पेप्टिक अल्सर हेलिको बैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया द्वारा होंगे जी। फिर तो रिपीट कर देना, हेलिको बैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया द्वारा की होंगे जी पेप्टिक अल्सर। नैक्सट क्वेश्चन है किड़े दो विज्ञानिकों ने पेप्टिक अल्सर से कारक बैक्टीरिया का पता लगाया। हाँ जी, आस्ट्रेलिया के रोग विज्ञानिक सी रॉबिन बॉरन अते बैरी मार्शल। जी, आस्ट्रेलिया के दो विज्ञानिक सन किड़े, रॉबिन बॉरन अते बैरी मार्शल, जिन्होंने पेप्टिक अल्सर के कारक बैक्टीरिया का पता लगाया सी। नैक्सट क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर का इलाज हुण किस तरह होंगे। हाँ जी, किस तरह होंगे जी, प्रतिजीविकां की वरतों नाल। हाँ जी, प्रतिजीविकां की वरतों के नाल किंदा इलाज होंगे जी पेप्टिक अल्सर का। नैक्सट क्वेश्चन है जी बॉरन अते मार्शल नूं पेप्टिक अल्सर के इलाज लई इलाज नूं लभण लई नोबल पुरस्कार कदों दिता गया सी। हाँ जी, कदों दिता गया सी, साल 2005 विच इन्हां नूं जिहड़ा नोबल पुरस्कार दिता गया सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी वायरस नाल होण वाले चार रोगों के नाम लिखो। हाँ जी, वायरस के नाल होण वाले चार रोग कहड़े हैगे ने, खांसी जुकाम इनफ्लूएंजा डेंगू बुखार ते एड्स। ये सारे रोग जोड़े कहते नाल होंगे ने वायरस के नाल। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है बैक्टीरिया नाल फैलन वाले चार रोगों के नाम लिखो। हाँ जी, बैक्टीरिया के नाल टाइफाइड हेजा टीबी एथरैक्स, ये सारे रोग है जोड़े बैक्टीरिया नाल फैलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है प्रोटोजोआ तो होने वाले दो रोगों के नाम लिखो। जी, मलेरिया ते कालाजार, ये किहदे नाल हुंदे ने जी प्रोटोजोआ दे नाल। नैक्सट क्वेश्चन है आम करके चमड़ी रोग किस नाल फैलते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि चमड़ी के जिन्हें भी रोग ने ज़्यादातर किहदे नाल हुंदे ने, उल्लियां नाल, फंगस के नाल हुंदे ने। नैक्सट क्वेश्चन है, हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है रोग फैलाउण वाले किस कारक का
गुण तुलनात्मक पक्ष नाल घट हुंदा है, ते कहिंदा हुंदा जी किरमां दा गुण। नैक्सट क्वेश्चन दिता है, रोग की अवस्था विच एंटीबायोटिक की करते हैं। हाँ जी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा, तो एंटीबायोटिक की करते हैं, जैव रसायणिक मार्ग को बंद कर देते हैं। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, पेंसिलिन एंटीबायोटिक मूल रूप की करता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा जी, पेंसिलिन एंटीबायोटिक मूल रूप की काम करता है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को रोकता है। हाँ जी, बैक्टीरिया की जी मैं तुम्हें दसी सी, शरीर के अंदर बैक्टीरिया जी अपनी कोशिका भित्ति बनाते हैं उन्होंने रोक दिता है। मनुख दियां कोशिकावां कोशिका भित्ति नहीं बना सकदियां, इसलिए पेंसिलिन का असर मनुख से ना होकर सिर्फ बैक्टीरिया से ही होंदा है। हाँ जी, इत्थे एक क्वेश्चन होर बन सकता है कि पेंसिलिन की खोज किने कीती सी। हाँ जी, पेंसिलिन की खोज जिहड़े अलैगजेंडर फ्लैमिंग नाँ दे विज्ञानिक ने कीती सी, अलैगजेंडर फ्लैमिंग ना दे विज्ञानिक ने की सी पेंसिलिन की खोज। नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, किस कारण एक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया दियां कई स्पीसीज नूं प्रभावित करता है। हाँ जी, किस कारण एक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया दियां कई स्पीसीज नूं प्रभावित करता है। हाँ जी, जिहड़े एंटीबायोटिक किसी भी बैक्टीरिया के जैव रसायणिक मार्ग को बंद करके कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोकता है, वह उन्हां सब नूं प्रभावित करता है। हाँ जी, जिन्हें भी कि यह बैक्टीरिया के जैव रसायणिक मार्ग को बंद करके कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोकता है, वह उन्होंने सब नूं जिहड़ा प्रभावित करता है। जी, नैक्सट क्वेश्चन हैगा, एंटीबायोटिक का असर रोग फैलाने वाले किहड़े कारक नूं प्रभावित नहीं करता। हाँ जी, किसनों नहीं करता, वायरस नूं। जी, वायरस जेकर होगा तो उहदे उत्ते आपां की कहा सी, मेडिसिन का जिहड़ा असर नहीं होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन हैगा, आम करके खांसी जुकाम ते एंटीबायोटिक दा असर क्यों नहीं हुंदा। हाँ जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा कि आम करके जदों आपां खांसी जुकाम हो जाता है तो उहदे उत्ते जिहड़ा दवाइयां दा असर क्यों नहीं हुंदा। आम करके खांसी जुकाम जिहड़ा किहदे च आउंदा है, वायरस नाल हुंदा है, ते आपां पढ़ चुके हाँ कि एंटीबायोटिक वायरस नूं प्रभावित नहीं करता। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, पानी तों लाग किवें लगदी है। हाँ जी, पानी तो किवें जिहड़ा रोग हो जाता है, जदों छूत दे रोगों तो पीड़ित रोगी का मल मूत्र पीण वाले पानी विच मिल जाए तो सेहतमंद व्यक्ति द्वारा जाने अनजाने पी लिया जाए तो रोग की लाग लग जाती है। हाँ जी, जेकर कोई पीड़ित व्यक्ति गया या तो उनका जूठा पानी पी लिया जाए या फिर उनके मल मूत्र नाल जिहड़ा पानी का यूज कर ले तो उन्होंने की है जी लाग की रोग जी लग जाती है। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, लिंगी संपर्क न फैलन वाले दो रोगों के नाँ दसो। हाँ जी, लिंगी संपर्क नाल रोग दिते है जी गोनेरिया ते एड्स। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, लिंगी छूत ते रोग किस तरह नहीं फैलते। हाँ जी, लिंगी छूत के रोग किस तरह नहीं फैलते, तो हाथ मिलाने के नाल नहीं फैलते, गले मिलन दा नाल नहीं फैलते, खेड कूद दे नाल नहीं फैलते, कुश्ती दे नाल आदि नाल जिहड़े नहीं फैलते। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, किसी आम अजिहे रोग वाक दा नाँ दसो। किसी आम अजिहे रोग वाहक का नाँ दसो, तो की हैगा जी मच्छर। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, मच्छर समतापी प्राणियों का लहू क्यों पैंदा। हाँ जी, मच्छर समतापी प्राणियों का लहू क्यों पैंदा, वधेरे पोषण लई ताकि वधेरे जिहड़ा वधिया अंडे दे सके। हाँ जी, वधेरे पोषण लई ताकि वह वधिया अंडे दे सके, तो इस तों की क्लीयर हुंदा जी, मच्छर समतापी प्राणियों का लहू पैंदा है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, जे सूखम जीव हवा विचों नक द्वारा शरीर विच प्रवेश करन तां कित्थे जाणगे, तां ओह कित्थे जाणगे जी फेफड़िआं विच। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, भोजन नली तों शरीर विच प्रवेश करन वाले सूखम जीव कित्थे जाणगे, तां ओह भोजन नली तों जिगर विच जाणगे। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, पीलिया का कारक कौन हैगा। हाँ, तां पीलिया का कारक की हैगा जी, हेपेटाइटिस बैक्टीरिया। पीलिया का जिहड़ा वाहक हैगा की है, हेपेटाइटिस नाँ का बैक्टीरिया। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, टीबी के बैक्टीरिया फेफड़िया विच किस तरह प्रवेश करते हैं। जी, टीबी के जिहड़े बैक्टीरिया होंदे ने फेफड़े विच नक के रस्ते जां मूँह के रस्ते एंटर करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, टाइफाइड के बैक्टीरिया किस रस्ते शरीर विच प्रवेश करते हैं, तो वह मूँह के रस्ते प्रवेश करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, एच आई वी कित्थे फैलता है। हाँ जी, एच आई वी कित्थे फैलता है, तो एच आई वी लसीका ग्रंथियों में फैलता है।
हाँ जी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, एच आई वी लसीका ग्रंथियों में फैलता है। नैक्सट क्वेश्चन हैगा जापानी बुखार किस अंग को प्रभावित करता है। हाँ जी जापानी जी बुखार हैगी दिमाग को प्रभावित करता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन दिता है दिमाग ते सूखम जीवों के हमले के की लक्षण हैं। दिमाग ते सूखम जीवों के हमले के की लक्षण हैं तो की लक्षण ने, सिर दर्द होने लग जाता है, उल्टी आना, चक्कर ते बेहोशी आनी जी स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है सोजस के कारण आम प्रवाह की पैंदा है। हाँ जी सोजस के आप प्रवाह दसने की है जी फुलना, दर्द होना, बुखार, ये किन्दे प्रभाव ने जी सोजस के। नैक्सट क्वेश्चन है जी एच आई वी एड्स नाल व्यक्ति की मौत आम करके किस कारण होंगी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी एच आई वी एड्स नाल जी व्यक्ति की आम करके मौत क्यों हो जाती है। एच आई वी एड्स संक्रमण नाल रक्षक प्रणाली नष्ट हो जाती है। हाँ जी इस दे नाल की होंदा है जिहड़ा रक्षक प्रणाली होंदी है डबल्यू बी सी वो अपनी नष्ट हो जाती है, यानी कि वाइट ब्लड सेल जिहड़े नष्ट हो जाते हैं, तो रोजाना होने वाले छोटे मोटे रोगों की लाग का मुकाबला करने की शक्ति भी शरीर में नहीं रहती। हाँ जी यही कर दिया ने छोटे मोटे जी अपन लोग रोग वगैरह लग जाते हैं उन्होंने मुकाबला करते हैं, तो ये जो खत्म हो जाते हैं एड्स के नाल तो वो शक्ति है जी नहीं रहती, तो रोगी की जी की हो जाती है मौत हो जाती है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन हैगा प्रतिरक्षाकरण दा आधार की हैगा। हाँ जी जदों रोगाणु रक्षक प्रणाली दे दोबारा हमला करता है तो याद के आधार पर रक्षक प्रणाली अपनी पूरी शक्ति नाल उसनों नष्ट कर देती है। इसनों कहते हैं जी प्रतिरक्षाकरण। हाँ जी इसका आधार की हैगा फिर तो रिपीट कर देने कि जदों रोगाणु रक्षक प्रणाली से दोबारा हमला करता है तो याद के आधार पर रक्षक प्रणाली अपनी पूरी शक्ति नाल उसको नष्ट कर देती है। नैक्सट क्वेश्चन है जी हेपेटाइटिस की किस प्रकार ले टीका मिलता है। हाँ जी किस इनकी प्रकार के टीका मिलता है जी हेपेटाइटिस ए प्रकार। नैक्सट क्वेश्चन है किन्ने साल की अवस्था तक देश के वधेरे बच्चे हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षक हो चुके होंगे। हाँ जी की आंसर है जी 5 साल की उम्र तक। जी वन लाइनर क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं, हुण इहदे करदे हां जी एम सी क्यूज। जी स्टार्ट करते हैं फस्ट क्वेश्चन दिता हुआ जी सेहत अते रोग किस समुदाय विच एक गुंझलदार समस्या हैगी है, तो इस क्वेश्चन का जिहड़ा करैक्ट आंसर हैगा ऑप्शन नंबर बी मनुखी समुदाय नाल। नैक्सट क्वेश्चन दिता है गुरदियां विच निस्पंदन होने नाल शरीर विच की होवेगा। हाँ जी इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट करैक्ट हो जाएगा शरीर में जहरीले पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है बोधित आराम अते असुविधा की हैगी है। हाँ जी बोधित आराम ते असुविधा की हैगी जी रोग का दूजा नाम, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं शरीर दीआं क्रियावां विच बदलाव की दर्शाउंदा है। हाँ जी शरीर दीआं क्रियावां विच बदलाव जिहड़ा की दर्शाउंदा है रोग दे लक्षण, तां इस क्वेश्चन दा ऑप्शन सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है लक्षण किसे डॉक्टर नूं किस गल दा संकेत दिंदे हन। हाँ जी लक्षण डॉक्टर नूं किस गल दा संकेत दिंदे ने। हाँ जी तां रोग नूं यकीनी बनाउण बारे, रोग बारे यकीनी बनाउंदे हन डॉक्टर नूं लक्षण। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता जी जिहड़े रोग ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਲਪਕਾਲੀਨ ਰੋਗ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਰੋਗ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਅਲਪਕਾਲੀਨ ਰੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ।
हाँ जी, अल्पकालीन रोग इन्हां विचों कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट खांसी ते जुकाम, जिहड़ा घट समय ले रहिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिता हुआ है दीर्घकालीन रोग की एक उदाहरण दो। हाँ जी, दीर्घकालीन रोग कौन सा है जी? इन्हां चारों विचों टीबी, हैजा, मलेरिया ते एल्फिनटाइटिस। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जरा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा एल्फिनटाइटिस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेहत नूं वधेरे हानि किस प्रकार के रोग नाल हुंदी है? हाँ जी, सेहत नूं वधेरे हानि किस प्रकार के रोग नाल हुंदी है? तो वो हुंदी है जी दीर्घकालीन रोग दे नाल। ऑप्शन सी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिता है कैंसर रोग का की कारण है? हाँ जी, कैंसर रोग का की कारण है? तो ऑप्शन सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, अनुवांशिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिता जी पेप्टिक अल्सर का इलाज हुण किस तरह हुंदा है? हाँ जी, पेप्टिक अल्सर का इलाज हुण किस तरह हुंदा जी? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, प्रतिजैविकां नाल। हाँ जी, पेप्टिक अल्सर का इलाज हुण किस तरह हुंदा है? प्रतिजैविकां नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिता जी बारेन अते मार्शल नूं पेप्टिक अल्सर के इलाज नूं लभण लई नोबल पुरस्कार कदों दिता गया सी? हाँ जी, कदों दिता गया सी? 2005। 2005 विच इन्हां नूं नोबल पुरस्कार दिता गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा जी आम करके चमड़ी रोग किस नाल फैलते हैं? हाँ जी, आम करके चमड़ी के रोग किस नाल फैलते हैं जी? तो यह फैलते हैं जी आम करके उल्लियां नाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिता जी एंटीबायोटिक का असर रोग फैलाने वाले किहड़े कारक नूं प्रभावित नहीं करते? जी, किहनूं नहीं करते जी? ये नहीं करते जी वायरस नूं। ऑप्शन डी है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आम रोग वाहक का नाम दसो। तो आम रोग वाहक का नाम इन्हां विचों कौन सा है जी? मच्छर। ऑप्शन फर्स्ट है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिता है जे सूक्ष्म जीव हवा विचों नक द्वारा शरीर विच प्रवेश करन तां कित्थे जाणगे? हाँ जी, कित्थे जाणगे जी? ऑप्शन बी है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा, फेफड़िआं विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन नली तों शरीर विच प्रवेश करन वाले सूक्ष्म जीव कित्थे जाणगे? तो इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर हो जाएगा 18 दा, 18वें नंबर दा जिगर। ऑप्शन सी है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिता जी पीलिया का कारक कौन है? हाँ जी, पीलिया का कारक कौन है? हेपेटाइटिस बैक्टीरिया। ऑप्शन फर्स्ट है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिता जी टीबी दे बैक्टीरिया फेफड़िया विच किस तरह प्रवेश करते हैं? हाँ जी, टीबी दे बैक्टीरिया फेफड़िया विच किस तरह प्रवेश करते हैं? हाँ जी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नक राही। ऑप्शन बी है जिहड़ा इसका करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, पिछे मैं तुहानूं जिहड़ा गलत दस दिता सी कि टीबी दे बैक्टीरिया जिहड़े प्रवेश करते हैं गले राहें भी प्रवेश करते हैं। हाँ जी, ये किस दे राहें प्रवेश करते हैं? नक दे राहें। तो ऑप्शन बी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है टाइफाइड के बैक्टीरिया किस रस्ते शरीर में प्रवेश करते हैं? हाँ जी, टाइफाइड के बैक्टीरिया किस रस्ते करते हैं जी? मुँह राहें। ऑप्शन फर्स्ट है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी एच आई वी कित्थे फैलता है? हाँ जी, एच आई वी कित्थे फैलता है जी? तो इस क्वेश्चन का जरा ऑप्शन अपना करैक्ट हो जाएगा डी लसीका ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानी बुखार किस अंग को प्रभावित करता है? हाँ जी, जापानी बुखार है जरा किस अंग को प्रभावित करता है? दिमाग में। ऑप्शन सी है जरा करैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी केड़ी एंटीवायरल दवाई मिलती है? हाँ जी, केड़ी एंटीवायरल दवाई मिलती है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका दा करैक्ट आंसर है फर्स्ट एच आई वी लाग नूं काबू करन दी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिता है किहड़ा रोग दुनिया विच खत्म हो चुका है? तो इस क्वेश्चन का जिहड़ा करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिता है हेपेटाइटिस दी किस प्रकार लई टीका जिहड़ा मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिता है किन्ने साल की अवस्था तक देश के दे वधेरे बच्चे हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्ष हो चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 साल की उम्र तक। हाँ जी, आज की वीडियो इतने समाप्त करते हैं। उम्मीद करता तुहानू वीडियो चंगी लगी होगी। नाल एक गल होर, जेकर वीडियो चे कोई भी गलती हो गई होवे मेरे तो, जिमें मैं बोलिया कुछ होर होवां ते लिखिया कुछ होर होवे या फिर कोई भी मिसिंग हो गई होवे तो उस दे लई सॉरी जी, क्योंकि इन्नी वड्डी वीडियो रिकॉर्ड करते हाँ तो कोई ना कोई गलती जड़ी हो ही जाती है जी। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नू लाइक करो ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो से, उदों तक दे लई टेक केयर।